नमस्कार भाई लोग। तो मैं क्या बोल रहा है कि मेरे को अभी ना इंग्लिश क्लासेस चालू करने का है। तो दैट इज़ माय जनरल थिंग कि इंग्लिश से फिर हम क्योंकि आप लोगों का कई सारा आता था मेरे निहिल आनंद पे कि हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। बट द प्रॉब्लम इज़ नॉट हिंदी में बोलना, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती और उसके वजह से आपके इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ कम होते हैं। आप कुछ भी बोलो, इंग्लिश इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज। ओके, आप कितना भी इधर उधर करो, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ऑल राइट, तो माई पॉइंट इज़ कि इंडिया को बिल्कुल ही नहीं आता, और जब मैं बैंगलोर गया तो मैं बिल्कुल ही शॉक हो गया कि जो गांव वाले गांव से आते हैं कर्नाटक के, उनको तो बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आता। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश सिखाऊंगा। ओके, उनको IAS के विकल्प में एक ऑप्शन दूंगा। सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि मैं दो सवाल है, पहले तो या मैं बैंगलोर जाऊं या मैं यूपी जाऊं। ओके, किसको ज़्यादा ज़रूरत है और आपके हिसाब से ज़्यादा ऑप्शंस बेहतर क्या है? मेरे हिसाब से बैंगलोर बहुत बड़ा मार्केट है और ये होने वाला है, मतलब इट्स गोइंग टू बी अ रादर लार्ज मार्केट। पर मेरे हिसाब से जो फेम मिलेगा यूपी में वो ज़्यादा होगा, मतलब जो स्केल अप कर पाऊंगा मैं यूपी में अगर जनता ने पकड़ लिया तो। आपके हिसाब से, मतलब पर्सनैलिटी के हिसाब से, मतलब जिस बैंगलोर और यूपी के पर्सनैलिटी के हिसाब से वगैरह वगैरह, आप पूरा सोच के मेरे को बताओ आपका क्या प्रेफरेंस होगा, या यूपी या तो बैंगलोर?